जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम है पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है एस्ट्रो आज यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि का मार्च का महीना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा उनकी धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति और उनके संतान की स्थिति, दाम्पत्य सुख की स्थिति, उनके प्रेम की स्थिति, उनकी नौकरी की, उनके व्यापार की स्थिति, सारी डिटेल में चर्चा करेंगे इस मासिक राशिफल में। लेकिन 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 मित्रों, आपको कैसे बिलीव होगा कि जो मार्च में जो राशिफल हम बता रहे हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है। सबसे पहला मित्रों, मेरा जो राशिफल होता है वो चंद्र राशि से आधारित होता है, जो आपकी कुंडली से आती है। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली की चंद्र राशि मालूम होनी चाहिए, तब आप इसको देखेंगे तो 60 से लेकर 80% आपको घटता हुआ नज़र आएगा। मित्रों, पहली चीज़ हम जान लेते हैं कि फरवरी के महीने में धनु राशि वाले जातक और जातिकाओं के साथ में मुख्य तीन बड़ी घटनाएं क्या हुई, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि फरवरी के महीने में धनु राशि वाले, वैसे तो बीपी नॉर्मल चेक कराते हैं, बीपी नॉर्मल जाता है, लेकिन धनु राशि वालों का कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में बीपी बढ़ा हुआ है, उनको तनाव रहेगा फरवरी के महीने में, गुस्सा भी ज़्यादा आएगा फरवरी के महीने में, जिस वजह से अपने मित्रों से, अपने बॉस से आपकी लड़ाई होगी, छोटी छोटी बातों में धनु राशि वाले फरवरी के महीने में चिढ़ गए, जिस वजह से उनकी बहुत बार पत्नी से, अपने ही भाइयों से, अपने ही बॉस से लड़ाइयां रहीं, परिवार के अंदर भी ऐसा वाद विवाद रहा, क्योंकि बीपी बहुत हाई रहा, चेक कराया नहीं धनु राशि वालों ने। अभी भी आप पे वक्त है, आप चेक करा लीजिएगा, आपका बीपी की दवाई लेकर आप उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की, सबसे पहले मार्च में स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहने वाली है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य भाव में बैठे हैं मंगल, चंद्रमा, गुरु और केतु, ये चार ग्रह चतुर्वर्गीय ग्रह बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। और जो धनु राशि वाले जो कई पिछले 6-8 महीने से परेशान थे अपने बैक की प्रॉब्लम से, अपने मोटापे से, अपने अपने पैर की प्रॉब्लम से, तो मार्च के महीने में क्योंकि मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में आपका आत्मविश्वास हाई रहेगा। साथ ही साथ आप कोई योग करने वाले हो या किसी जिम या किसी इंस्टीट्यूशन में जाके आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाले हो। साथ ही साथ मार्च के महीने में आप बहुत धार्मिक भी होने वाले हो, पूजा पाठ करोगे, मंत्र जाप करोगे, अनुष्ठान करोगे, ऐसा योग मार्च के महीने में आ रहा है। अब धनु राशि वालों की बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में, तो आर्थिक स्थिति के अंदर आपका बैठा हुआ है शनि, यानी कि कहीं ना कहीं आपको दांत की परेशानी, कहीं ना कहीं द्वितीय भाव में जब शनि विराजमान होता है तो दांत की प्रॉब्लम होती है, तो दांत की परेशानी आपको रहेगी। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं धनु राशि वालों को कि नशा ज्यादा होगा मार्च के महीने में, क्योंकि पार्टी फंक्शन ज्यादा होगा, पैसा भी आएगा, लेकिन मैं ये कहूंगा नशा नहीं करना है धनु राशि वालों ने, नहीं तो होगा आपका काम खराब, और काम खराब के जिम्मेवार होंगे आप खुद, इसलिए नशा नहीं करना है, क्योंकि मार्च के महीने में नशा ज्यादा होने वाला है, ऐसी पार्टियां चलेंगी, ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें आप ड्रिंक आदि ज्यादा लेने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातक और जातिकाओं के पारिवारिक सुख के बारे में कि पारिवारिक सुख के स्वामी हैं गुरु। गुरु कहीं ना कहीं गजकेसरी योग में बैठे हुए हैं, तो परिवार में आपके भाई बहनों को कि एक तो खुशखबरी प्राप्त होगी, उनका रोका हुआ काम बन जाएगा, और अगर नौकरी से संबंधित है तो उनको पद पदवी मिलने वाली है, या आपके पिता या आपकी माता या आपके भाई बहन का फरवरी के महीने में आपको शुभ समाचार ये मिलेगा कि उनकी पद प्रमोशन हो गई है, या उनका प्रॉपर्टी का कुछ निर्माण हो रहा है, या प्रॉपर्टी उनकी निकल गई है, या प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद ली है, इस तरह का योग आपको फरवरी के महीने में होता हुआ, मार्च के महीने में होता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में मित्रों, तो पहले संतान भाव के में बैठे हुए शुक्र, तो पहले मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं, धनु राशि वाले जातक और जातिका जिनकी 2-3 साल पहले शादी हुई है, संतान के योग नहीं बन रहे, तो उनके संतान के योग बन रहे हैं मार्च के महीने में, उनको खुशखबरी एक तो प्राप्त होने वाली है, मनचाही संतान जो पा रहे हैं वो भी उनके लिए भी मार्च का महीना बड़ा शुभकारी रहेगा। साथ ही साथ जिनकी संतान बड़ी है, जो कंपटीशन की नौकरी की, या उनके शुभ काम रुके हुए हैं, तो उनके शुभ काम भी मार्च के महीने में बनने वाले हैं, संतान के लिए पॉजिटिव रहेगा मार्च का महीना, कहीं ना कहीं इवेंटफुल रहेगा मार्च का महीना। बात कर लेते हैं नौकरी वालों की, जो धनु राशि वाले जातक और जातिका नौकरी में है उनके बारे में बात कर लेते हैं, तो नौकरी भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य जो विराजमान है वो तृतीय भाव में बैठे हैं, तो नौकरी में
पहले चीज पद प्रमोशन के साथ में स्थान परिवर्तन के स्ट्रांग योग नजर आ रहे हैं, खासकर जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनकी स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं, पद प्रमोशन जरूर होगा साथ ही साथ स्थान परिवर्तन होगा। और जिनका गवर्नमेंट का काम रुका हुआ है, जिनका सब कुछ होने के बाद भी गवर्नमेंट का योग बन का काम रुका है, उनका गवर्नमेंट की फाइल भी चलने मार्च के महीने से लग जाएगी, ये चीज़ आपके लिए खुशखबरी है। और जो प्राइवेट जॉब में हैं उनका स्थान परिवर्तन का योग आ रहा है, साथ ही साथ उनको एक नई नौकरी का ऑफर भी मार्च के महीने में मिलेगा, और हो सकता है वो विदेश से संबंधित नौकरी का ऑफर आपको मिले। आप अगर परिवार को छोड़ के जा सकते हैं तो जाइएगा, आपको अच्छा पैकेज भी मिलेगा। बात कर लेते हैं व्यापार योग के बारे में, जो व्यापार करते हैं धनु राशि वाले जातक और जातिका उनके बारे में। व्यापार भाव का स्वामी है बुध, बुध बैठा है तृतीय भाव में, तो मार्च का महीना बड़ा इवेंटफुल रहेगा। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आप बड़े बिजी रहने वाले हैं काम में, आप पे काम की भरमार लग जाएगी। एक तो नया काम आपको मिलेगा, ठीक है जी, एक पुराना काम भी आपका ठीक ठाक चलने लग जाएगा, धन की रोटेशन धीरे धीरे करके अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं मार्च का महीना काफ़ी अच्छा मुझे ग्रोथपूर्ण नजर आ रहा है मित्रों। तो ये मित्रों ये था धनु राशि वाले जातक और जातिकाओं के मार्च के महीने का राशिफल। और मित्रों कुछ जातक और जातिकाएं जो कि ये राशिफल देखते हैं, राशिफल देखने के बाद वो अपने भविष्य को अपनी कुंडली दिखाने को भी बड़े लालायित होते हैं। वो कमेंट में लिखते हैं कि गुरुजी आपका फ़ोन नंबर क्या है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ मेरा जो फ़ोन नंबर है वो नीचे आ रहा है, यानी कि 7210124289 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कुंडली के बारे में कोई जानकारी चाहिए या आपको कोई किसी परेशानी से आप ग्रसित हैं उसके लिए उपाय चाहिए, तो आप हमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख कर और अपनी समस्या को लिख के हमें भेजिए, आपको आपका उपाय दिया जाएगा मित्रों। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी मित्रों।